गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा, योर मैथ टीचर। यस स्टूडेंट्स, अब तक हम जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा आरिया कॉमर्स, उसमें हम एक्सरसाइज जो 1.3 है वहां तक कवर कर चुके हैं। अब आज जो आपको बेसिक्स बताऊंगा वो एक्सरसाइज 4 से रिलेटेड है, 1.4 से रिलेटेड है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डेसिमल नंबर्स हैं और टर्मिनेटिंग जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन है उनको क्या सीखेंगे, नंबर लाइन पर शो करना सीखेंगे। वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो उनको हम क्या सीखेंगे, नंबर लाइन पर शो करना सीखेंगे। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि एक्सरसाइज 1.4 आप सामने आपके जो मैथ्स की बुक शो ओपन कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट सम है विजुअलाइज 3.765 ऑन आवर नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हमें कौन सा नंबर दिखाना है, 3.765, ये हमें क्या है नंबर लाइन पर शो करना है। सो स्टूडेंट्स देखिए, 3.765 इसको किस प्रकार से नंबर लाइन पर दिखाएंगे, जैसे कि हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। आप सबने देखा है मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं हम जो नंबर्स वगैरह होते हैं उसको बड़ा करने के लिए या कोई भी वस्तु उसको बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही हम नंबर्स को हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, मीन्स मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है, मीन्स स्कोर खोल के ये देखेंगे कि 3.765 है वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हमारा जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वहां तक क्या कीजिए, नंबर लाइन पर उनको शो कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने क्या की नंबर लाइन बनाई, यहां है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक आप रख लीजिए, ठीक है ना। 9 तक हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया है, ठीक है, नंबर लाइन से शो कर दिया हमने 9 तक। अब सबसे पहले ये देखिए कि पॉइंट के लेफ्ट साइड कौन सी डिजिट आई है, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड जो डिजिट आई है वो हमारी 3, क्या है, 3 है हमारी। और अब देखिए पॉइंट के बाद 765 आया है, मीन्स 3 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है, 3 पॉइंट समथिंग का मतलब ये है कि जो नंबर है वो 3 से बड़ा है, 3 में कुछ ऐड हुआ, 0.765 ऐड हो गया ना इसमें, मीन्स 3 से नंबर क्या आ गया, बड़ा आ गया, लेकिन 4 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। देखो 3 से तो बड़ा आया और 4 से छोटा आया, इसका मतलब ये जो नंबर है वो कहां एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 से नंबर बड़ा है और 4 से नंबर क्या है, छोटा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, करने का तरीका क्या है, एक और नंबर लाइन बनाइए आप, इसके नीचे एक नंबर लाइन बनाए, ठीक है। अब हमें नंबर क्या है वो ध्यान से देखिए, देखिए 3 से बड़ा नंबर है तो सबसे पहले 3 को यहां लेके आए, यहां हमने क्या किया, 3 लिख दिया, ठीक है। अब 3.0 लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3. क्या लिख सकते हैं, हम इसको 0 लिख सकते हैं। 3.0 के बाद क्या आता है, 3.1 आता है, आगे 3.2 आता है, 3.3, 3.4, 3.5, नेक्स्ट 3.6, 3.7, 3.8, यहां आ जाएगा 3.9, और 3.9 के बाद इसके बाद क्या आएगा, 4, क्या आएगा, 4, इसका मतलब ये है जो हमारे 4 है ना वो कहां चला गया, वो चला गया एंड पॉइंट पर। अब देखिए 3 से 4 के बीच के जो नंबर्स है वो हमारे पास इस टाइम आ चुके हैं। तो देखिए क्या है, हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई किया है, इसको मैग्नीफाई करने से पॉइंट वाले नंबर आई के पॉइंट के बाद ये डिजिट आ गई। अब हमें चाहिए 3.7, 7 है ना हमारे सबसे पहले, 3.7, क्या यहाँ पर 3.7 है, हाँ यहाँ पर 3.7 है। अब देखिए 3.7 के अंदर उसके बाद 6.5 भी आया, इसका मतलब 3.7 से थोड़ा सा क्या आ गया, ये बड़ा आ गया, 3.7 से तो बड़ा है लेकिन 3.8 से क्या होगा, छोटा होगा ये वाला नंबर, 3.7 से तो बड़ा है लेकिन 3.8 से क्या है,
होता है, अब हम सेम क्या करेंगे, ऐसे ही एक और नंबर टाइप बनाएंगे, ठीक है। वो नंबर टाइप कैसे बनाएंगे, देखिए 3.7 जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी कितने से होगी 3.7 से। 3.7 के साथ हमें क्या लगाया जा सकता है, जीरो लगाई जा सकती है, क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है। अब 3.7 जीरो के बाद 3.7 1 आ गया, 3.7 2 आ गया, 3.77 से क्या आएगा, छोटा आएगा, तो मेरा बेटा सभी को, ठीक है ना। तो फिर से क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, जब तक ये एंड नहीं होता है नंबर लाइन को बनाते जाएंगे। देखिए 3.76 ये जो है वो नंबर हमने क्या लिख लिया, याद कर लिया 3.76। इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, 3.76 के साथ जीरो लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 3.76 1, 3.76 सभी को, हाथों के साथ सिंपल ऐसे नहीं बनाना है, सेल का इस्तेमाल
ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बेटा इतना।